हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ अ वेटनरी डॉक्टर ट्रीट्स अ सीरियसली इल डॉग। डॉग्स नेम इज ट्रिकी एंड ही इज ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। हेयर आई स्टैंड्स फॉर द डॉक्टर Who is the narrator of this story means James Herriot। वो कह रहा है कि इस बार मैं वाकई ट्रिकी के लिए चिंतित था। I had pulled up my car। मैंने अपनी कार धीमा करके रोक दिया। When I saw, जब मैंने देखा him in the street, उसको गली में, with his mistress, अपनी मालकिन के साथ। And I was shocked at his appearance। और मैं उसको देखकर बहुत ही दुखी हुआ। He had become hugely fat। वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। Like a blotted sausage। एक blotted sausage की तरह। Blotted का मतलब हो गया फूला सा, भरा हुआ, stuffed कह सकते हैं। Sausage एक cylindrical dish होती है, गोल गोल, जिसमें मांस या कुछ और भर करके जो है बनाया जाता है। With a leg at each corner, जिसमें से यानी फूला हुआ एकदम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, और उसके दोनों तरफ दो पैर लगे हैं। His eyes, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, एकदम लाल एंड र्यूमी, और आंखों से पानी आ रहा था। Stared straight, और वो सीधा देख रहा था। Ahead and his tongue lolled from his jaws, और उसकी जबान जो है मुंह से एकदम जबड़े से लटक रही थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain, Mrs. Pumphrey ने जल्दी जल्दी बताना शुरू किया। He was so listless, Mr. Herriot, ही मतलब डॉग के लिए है ट्रिकी, जिसका नाम है, वो बता रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था, बेजान सा मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा था ये कुपोषण का शिकार है, यानी कि उसको खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि फ़ायदा नहीं कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, और इसलिए मैं उसको दे रही हूँ सम लिटिल एक्स्ट्राज, कुछ और खाना बीच बीच में, बिटवीन द मील्स, खाने के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, उसकी स्ट्रेंथ को दुगना करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सम माल्ट, कुछ वाइन, माल्ट एक टाइप की शराब होती है, एंड कॉड लिवर ऑयल, और कॉड लिवर ऑयल, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर पूछता है, और क्या आपने जो है मीठी चीज़ें उसको देना बंद किया जैसे मैंने कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। एंड आई हैड टू रिलेंट, और मुझे उसको दोबारा देना पड़ा। ही डज लव क्रीम्स, क्रीम केक्स, उसको बहुत ज़्यादा क्रीम केक बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स भी। सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकी ये सब देने के लिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर दोबारा उस छोटे कुत्ते को देखा। That was the trouble, यही सबसे बड़ी समस्या थी। Tricky's only fault was greed, Tricky की सबसे केवल एक ही कमजोरी थी, वो था लालच। He had never been known to refuse food, वो कभी भी खाना मना नहीं करता था खाने से। He would tackle a meal at any hour, कभी भी वो खाना खा सकता था, of the day, दिन में या रात में। And I wondered, और मुझे आश्चर्य था, about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे लग रहा था कि Mrs. Pumphrey और भी बहुत सारी चीज़ें दे रही थी जो उन्होंने नहीं बताया। Are you giving him plenty of exercise, क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हैं। Well, he has his little way walks with me, as you can see, हाँ वो थोड़ी बहुत टहलना जो है मेरे साथ करता है जैसा आप देख रहे हैं। But Hawkin द गार्डनर, ये गार्डनर जो है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, उसको कमर में दर्द हो गया है और इसलिए वो बीमार है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसलिए रिंग
फेंकने वाली जो प्रैक्टिस है वो अभी हाल में नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने थोड़ा कठोरता से बोलना शुरू किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं सचमुच में कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने उसको खाना कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको और एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सचमुच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आप अपने दिल को मजबूत करें, कड़ा करें, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत कम खाना दें। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे नर्वस हो गई और अपने हाथ रगड़ने शुरू कर दिए उन्होंने, जैसा कि नर्वसनेस में होता है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट मैं करूँगी ऐसा। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल। शी सेट ऑफ, वो आगे चली गई, हेड डाउन, सिर नीचा करके, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, एज इफ डिटरमिंड, और ऐसा लग रहा था कि अब उन्होंने एकदम माइंड को फिक्स कर लिया है टू पुट द न्यू रिजीम, कि अब वो जो है सारे नियम कानून लागू करेंगी, नए तरीके से उसको खाना देंगी। इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, तुरंत अब जो है उसके लिए नए रूल्स रेगुलेशन लागू करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनको आगे बढ़ते हुए देख रहा था और मुझे चिंता हो रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो है लड़खड़ा रहा था अपने छोटे से ट्वीट कोट में। ट्वीट कोट, ट्वीट जो है एक वूलन क्लॉथ होता है, उसका जो सर्दियों में कोट बनते हैं। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास पूरी अलमारी थी ऐसे कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए, एंड अ रेन कोट, और रेन कोट भी था, फॉर द वेट डेज, बरसात के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो जो है लड़खड़ा रहा था अपने पट्टे में हार्नेस का मतलब है जो कुत्तों को टहलाने के लिए जो उसके पट्टा बंधा रहता है, जो कमर में भी एक पट्टी रहती है और गले में दोनों जोड़ करके, तो उसको हार्नेस बोलते हैं। तो वो उसमें ड्रूपिंग यानी ऊँघ रहा था, नींद, ऐसा लग रहा था जैसे नींद में हो। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मुझे लगा कि बहुत जल्दी ही मिसेस पम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि मैंने सोचा था मिसेस पम्फ्रे की कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपनी फेवरेट डिशेज भी खाने से मना कर दिया, यानी नहीं खाया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो अपना पूरा दिन जो है ज़्यादातर समय वही दरी में पड़ा रहता था, पेंटिंग हाँफता रहता। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, टहलने जाने की उसका मन नहीं करता। डिड नॉट वे वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करने का उसका मन नहीं कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर ली थी। द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सिर्फ द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सिर्फ एक ही तरीका था कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए वहाँ से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ fortnight, मैंने सजेस्ट किया कि उसको दो हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और निरीक्षण, डॉक्टर के निरीक्षण में रखा जाए उसको। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, मिसेस पम्फ्रे तो लगभग एकदम बेहोश ही हो गई ऐसा सुनकर। शी वॉज श्योर, उनको विश्वास था ही वुड पाइन, कि वह उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसने अपनी मालकिन को रोज़ नहीं देखा तो वो ज़रूर परेशान होकर के मर जाएगा।
बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसा ही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही तरीका था उसको बचाने का। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मुझे लगा कि बिना किसी देरी के उसको वहाँ से ले जाना होगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज विलिंगनेस, और उसके बाद जो है मिसेस पम्फ्रे जो है रोना धोना शुरू कर दी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने तुरंत सीधे वहाँ से कुत्ते को लेकर अपनी कार की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, वो कंबल में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड, पूरे स्टाफ को जो है लगा दिया गया और सारी जो नौकरानियाँ थी उनको दौड़ा दिया गया उसके सामान लाने के लिए, उसका बेड, हिज नाइट बेड, नाइट बेड फेवरेट कुशंस जो उसके फेवरेट गद्दे थे, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सपर बाउल, सपर मीन्स होता है रात का खाना, या जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह हल्का, उसी तरह डिनर से पहले सपर होता है। रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ्स, और मुझे लगा कि ये सारा सामान मेरी कार में नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने कार चलानी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई एकदम से चिल्लाती हुई रोती हुई आई, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उन्होंने पूरे बहुत सारे छोटे छोटे कोट जो हैं उन्होंने कार की खिड़की से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, वे बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं कॉर्नर से टर्न करता मुड़ता, ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रो रहे थे। ऑन द रोड आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, और जब मैं रोड पे आया तो मैंने देखा उस बेचारे छोटे से जानवर को, गैस्पिंग ऑन द सीट, हाँफ रहा था वो मेरे बगल की सीट पर बैठा हुआ। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पर थपकी दी, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बहुत कोशिश करी कि अपनी पूँछ हिलाए। वैग हिज टेल का मतलब होता है कुत्ते जैसे पूँछ हिलाते हैं प्यार से जब उनको कोई बात करता है। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा लड़का, यहाँ लैड जो है ट्रिकी के लिए यूज़ किया गया है, लैड मीन्स लड़का होता है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर जरा सा भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे करना है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, और जैसे ही मैं अपने क्लिनिक पहुँचा, यहाँ सर्जरी का मतलब क्लिनिक से है, हाउस होल्ड डॉग्स सारे कुत्ते जो है, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर था तो बहुत सारे कुत्ते जो है उसको घेर लिए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी ने देखा सबको, क्योंकि वो ट्रिकी को अपनी गोद में लिए हुए था, नॉइजी पैक यानी शोर करते हुए कुत्तों का झुंड, विद डल आइज, एकदम बुझी हुई आँखों से, यानी कि ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट। वैन पुट डाउन, जब नीचे रखा उसको, ले मोशनलेस एकदम निर्जीव सा पड़ा रहा, ऑन द कारपेट यानी कारपेट में। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसको घेर करके घूम घूम करके सूंघ रहे थे, स्निफिंग में होता है सूंघना, जैसे कि स्निफर्स डॉग, स्निफर डॉग होते हैं ना पुलिस के पास जो सूंघ करके पता लगाते हैं, तो वो स्निफिंग का मतलब हो गया यहाँ सूंघने से। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड तक उसको सूंघा, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उनको लगा कि ये बेकार सा कुत्ता है, एंड इग्नोर्ड हिम, और चले गए वहाँ से। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बिस्तर लगाया, इन अ वॉर्म लूज बॉक्स, एक छोटे लूज ढीले से बक्से बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे उसी के बगल में।
फॉर टू डेज़ आई केप्ट एन आई ऑन हिम, दो दिनों तक मैं उसकी निगरानी करता रहा। गिविंग हिम नो फूड, कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, यानी आसपास देखना शुरू किया, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर, उसने गुरगुराना शुरू किया, यानी गुरगुराना। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्तों को वहाँ बरामदे में टहलते हुए देखा या सुना। व्हेन आई ओपन्ड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी जो है एकदम लड़खड़ाते हुए आया। एंड वॉज इमिडिएटली एनगर्ड बाय जो, और जो द ग्रे हाउंड, वहाँ ग्रे हाउंड जो एक डॉग, कुत्तों की एक प्रजाति होती है, बड़ा सा कुत्ता था, उसने झपट लिया जो ट्रिकी को। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग, उसको लुढ़काते हुए और निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि ये कैसा कुत्ता है, यानी खतरनाक तो नहीं है। द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, और सारे कुत्ते जो है गार्डन की ओर चले गए अंदर। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे चलते हुए। रोलिंग का यहाँ लुढ़कते हैं, रोलिंग का मतलब लुढ़कने से है, धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क करके। विद हिज सरप्लस फैट, वो अपने एक्स्ट्रा फैट के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा था इसलिए बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था वो। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसी दिन बाद में मैं खाना देते समय वहाँ पर बैठा, वहाँ पर खड़ा हुआ था। ट्रिकी आई वॉज्ड वाइल त्रिस्तान स्लॉप्ड द फूड इन टू द बाउस, मैंने देखा त्रिस्तान उनका हेल्पर है जो खाना डाल रहा था कुत्तों को कटोरों में। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश, और वैसे ही जैसे कुत्ते सिर के बल भागते हैं खाना देखकर, जैसे जानवरों को जो है बांधे रहते हैं जब उनको खाना दिया जाता है जहाँ खाने की जगह, तो एकदम सीधे दौड़ते हैं वहीं पे, वैसे ही कुत्ते दौड़े। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और फिर उसके बाद तेज़ी से खाने की आवाज़ आई, जैसे कुत्ते खाते हैं जल्दी जल्दी। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ते को पता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पिछड़ गया, द अदर्स ही वॉज, दूसरों से, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो बाद में जो है उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी अपने उसका खाना बच जाएगा, दूसरे कुत्ते खा लेंगे, तो फिर अब उसका खाना भी दूसरे कुत्ते खा जाएंगे। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउस, ट्रिकी ने जो है सारे कटोरों जो जहाँ रखे थे उनके टहल चहल कदमी करी वहाँ। लिकिंग कैजुअली, एक दो कटोरे को चाटा। इनसाइड वन आर टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो के अंदर। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट, अगले दिन एक एक्स्ट्रा कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी, और मुझे देखकर खुशी हुई। हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और वो जो है एकदम बड़ी हिम्मत करके, स्ट्रगल करके जो है वो अपने कटोरे की तरफ आगे बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन, तब से हीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी तेज़ी से प्रोग्रेस होने लगी, यानी वो रिकवर करने लगा, यानी कि उसकी हेल्थ सुधरने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई नहीं दी गई ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की। बट ऑल दे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन जो है कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेज का मतलब प्यार से जो कुत्ते लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे को, दौड़ते भागते हैं, काटते हैं। फ्रेंडली स्क्रिमेज मीन्स लड़ाई होता है, लेकिन फ्रेंडली खेल में। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसको मज़ा आ रहा था जब कुत्ते उसको लुढ़का रहे थे इधर से उधर, ट्रैम्ड कुचल रहे थे। एंड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और उसको उछाल रहे थे हर थोड़ी थोड़ी देर में। He became an accepted member of the gang, और वो जो है सारे कुत्तों ने उसको गैंग का मेम्बर मान लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया। An unlikely silky little object among the shaggy crew, एक unlikely यानी कि उन दूसरों से अलग छोटा सा silky बालों वाला कुत्ता
उन सभी सैगी मीन्स होता है घुंघराले बाल वाले कुत्तों के बीच में, फ्लैगिंग फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, जो कि अपने हिस्से के लिए शेर की तरह यानी टाइगर की तरह सॉरी टाइगर की तरह जो है वो लड़ता है, एट मील टाइम खाने के समय एंड हंटिंग रैट्स और चूहों का शिकार करता है, इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट और रात में पुराने हेन हाउस में चूहों का शिकार करता है, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में उसने ऐसा समय कभी नहीं देखा था, यानी उसको कभी भी इतना एन्जॉयमेंट नहीं आया था। ऑल द व्हाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंक्शसली, और पूरे समय तक जब तक ट्रिकी जो है सर्जरी यानी डॉक्टर के पास रहा, मिसेस पम्फ्रे जो है अपने बरामदे में टहलती रहती, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे और दर्जनों बार कई बार जो है दिन में वो फ़ोन करती फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, तुरंत मतलब जानने के लिए कि अब क्या हुआ अब क्या हुआ। आई डॉज द क्वेश्चंस, मैं उनके सारे क्वेश्चंस को नज़रअंदाज कर देता, अबाउट वेदर हिज कुशंस कि वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली कि उसके जो गद्दे हैं बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर या मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो अपने कोट पहन रहा है या नहीं पहन रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं उनको बता पा रहा था कि दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर कि अब कुत्ता खतरे से बाहर था, एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली मतलब रिकवर कर रहा था बहुत तेज़ी से, यानी उसकी हेल्थ जो है बहुत तेज़ी से सुधर रही थी। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, ये वर्ड कन्वेलेसिंग जो है थोड़ा सा जो है मिसेस पम्फ्रे को राहत देने वाला था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और उन्होंने जो है ताजे अंडे लाना शुरू कर दिया, 2 dozen एट ए टाइम, 2 दर्जन में एक बार, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। अब जब उनको पता चल गया था कि ट्रिकी की हालत सुधर रही है तो उन्होंने सोचा उसको अच्छा अच्छा खाना दिया जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और इधर जो है डॉक्टर और उसका जो हेल्पर था वो मज़े से अपना ब्रेकफास्ट करते थे उन्हीं अंडों के साथ जो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी, वो उसको कुछ नहीं देते थे। फॉर अ हैप्पी पीरियड बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, फिर बाद में जो है वाइन एक तरह की शराब होती, वाइन मिसेस पम्फ्रे भेजने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तब पता चला कि ट्रिकी को वहाँ पर रखना जो है कितना फ़ायदेमंद था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वाइन की जो बॉटल्स थी वो ट्रिकी के ब्लड को सुधारने के लिए यानी उसका ब्लड अच्छा हो जाए उसके लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और लंच जो है एकदम सेरेमोनियल ओकेजन यानी कि उत्सव वाला माहौल हो गया लंच के समय, विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, लंच से पहले 2 glass और कुछ लंच लेते समय। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज, और हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लास्ट में जो है मिसेस पम्फ्रे ब्रांडी भेजने लगी यानी कि पूरी तरह से सुधार के लिए, ऑन ट्रिकीज रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी ट्रिकी की हेल्थ को पूरी तरह सुधारने के लिए मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, और फिर तो डॉक्टर और उसके हेल्पर की चांदी हो गई यानी कि बहुत अच्छा टाइम बीतने लगा उनका, बढ़िया से वो एंजॉय करने लगे ब्रांडी का, क्योंकि जो है डॉक्टर जो है अफोर्ड नहीं कर सकता था इतनी महंगी शराब। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और बहुत ही संतोषजनक ज़िंदगी थी यानी मज़े में बीत रही थी, डॉक्टर बताता है। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स, सुबह
अंडों का नाश्ता इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर में जो है बढ़िया अच्छी क्वालिटी की वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम को रात में जो है ब्रांडी के साथ आग के सामने बैठकर खाना खाने में मज़ा आ रहा था उनको। इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, और ऐसा लालच आने लगा कि ट्रिकी को एकदम परमानेंट गेस्ट की तरह रख लिया जाए ताकि मिसेस पम्परे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए भेजती रहें। बट आई न्यू मिसेस पम्परे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट, लेकिन मुझे पता था मिसेस पम्परे बहुत ज़्यादा परेशान थी और दो हफ्तों बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और दो हफ्ते बाद वो फ़ोन करने रोक नहीं पाई एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और फिर जो है दो हफ्तों बाद उनको फ़ोन किया गया कि दो हफ्तों बाद उनको बताया डॉक्टर ने कि अब जो है कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब उसको ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet, a gleaming black metal drew up outside the surgery. डॉक्टर बताता है कि आधे घंटे में ही एक लंबी सी कार 30 feet की सामने आकर के खड़ी हो गई क्लिनिक के। The chauffeur opened the door, driver ने दरवाज़ा खोला and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey. और मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्रे अंदर बैठी हुई आलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और वो एकदम खोई हुई सी लग रही थी अंदर कार के। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैज्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और एकदम रिजर्व सी दिख रही थी, यानी चिंतित सी दिख रही थी, यानी उनके हाथ बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, जरूर मुझे सच बात बताएं, क्या सचमुच में वो बेहतर हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ एकदम बढ़िया है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, डॉक्टर ने कहा कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जा रहा हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं जो है अंदर गार्डन के बीच से होकर के घर में गया, अंदर गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड जो है लॉन में जो है दौड़ भाग कर रहा था। हर्टलिंग राउंड मतलब तेज़ी से दौड़ भाग कर रहे थे लॉन में, एंड इन देयर मिड्स, और बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, उसके कान जो है वो हिल डुल रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, टेल वेविंग, पूंछ जो है हिल रही थी। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और सुनहरा ट्रिकी जो है उनके बीच में था। इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, और दो ही हफ्तों में जो है वो एकदम लचीला बढ़िया एनर्जेटिक हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो कुत्तों के साथ एकदम हिल मिल गया था, यानी बहुत ही फ्रेंडली हो गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और बहुत ज़्यादा जो है कसरत होने लगी थी उसकी, दौड़ भाग होने लगी थी। हिज चेस्ट आलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसका चेस्ट जो है एकदम जो है ग्राउंड से ऊपर उड़ गया था, यानी बहुत ही एनर्जेटिक और एकदम तंदुरुस्त हो गया था, हार्ड मसल्ड हो गया था। I carried him back along the passes to the front of the house. मैं उसको गलियारे से होकर के बाहर घर के ले आया। The chauffeur was still holding the car door open. अभी भी ड्राइवर ने जो है दरवाज़ा कार का खुला रखा था। And when Tricky saw his mistress, और ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms. वो डॉक्टर की हाथों से जंप करके आगे बढ़ा, इन ए ट्रेमेंडसली बहुत तेज़ी से छलांग लगाई, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और एकदम जा करके मिसेस पम्फ्रे की गोद में गिर गया। शी गेव अ स्टार्टल, वो एकदम चौंक गई, ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर,
और जैसे ही उनको अपना बचाव करना यानी खड़े रहना मुश्किल हो गया, जैसे ही वह उनके ऊपर एकदम झपट गया यानी कि लिपट गया मिसेस पम्फ्रेस से, लिकिंग हर फेस, उनके मुंह को चाटने लगा एंड बार्किंग और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान यानी खुशी के पलों में, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने ड्राइवर को मदद करी उसके सारे बेड्स लाने में, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैज बीन यूज, और उनमें से कोई भी यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे ने अपना सर कार की खिड़की से बाहर निकाला, टीयर शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, वो तेज़ी से रो करके उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे दूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी यानी क्लिनिक का कमाल है कि मेरा कुत्ता जो है इतना बेहतर हो गया है।